नमस्कार, मैं सुहाना आपके साथ और आप देख रहे हैं डिजिटल खबरीलाल। देश के सबसे बिजी एयरपोर्ट की लिस्ट में शामिल मुंबई एयरपोर्ट अब 6 घंटे के लिए बंद होने वाला है। जी हां, 6 घंटे तक ना तो कोई फ्लाइट यहां लैंड करेगी और ना ही यहां से टेक ऑफ करेगी। अधिकारियों ने इसकी पुष्टि की है। बताया जा रहा है कि यहां रनवे में मेंटेनेंस का काम किया जा रहा है, इस वजह से मुंबई एयरपोर्ट को 6 घंटे के लिए बंद कर दिया गया है। बता दें कि रखरखाव के काम के चलते मुंबई एयरपोर्ट पर सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक फ्लाइट का ऑपरेशन बंद कर दिया गया है। इस दौरान कोई भी फ्लाइट यहां ना तो आएगी और ना ही यहां से रवाना होगी। CSMIA की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि मानसून के दौरान एयरपोर्ट के रनवे खराब हुए हैं। एयरपोर्ट प्रशासन ने कहा है कि अब मानसून और बारिश खत्म हो गई है, इसलिए रनवे पर मेंटेनेंस का काम शुरू कर दिया गया है। और आपको बता दें कि इस संबंध में 6 महीने पहले ही एयरमैन को नोटिस भी विधिवत जारी किया गया था। यह निर्धारित अस्थायी बंद CSMIA की वार्षिक मानसून के बाद की निवारक रखरखाव योजना का एक हिस्सा है। बहरहाल, सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक यानी 6 घंटे के लिए मुंबई एयरपोर्ट को बंद कर दिया है। बता दें कि रनवे में मेंटेनेंस के काम को लेकर इसे बंद किया गया है। अधिकारियों ने इस मामले की पुष्टि की है और आपको बता दें कि हालांकि इसमें यात्रियों को थोड़ी असुविधा होगी, लेकिन 6 घंटे बाद यातायात फिर से सुचारू रूप से शुरू हो जाएगी। फिलहाल आज के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए डिजिटल खबरीलाल। खबरें आपकी नज़र हमारी।